हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये क्रोशे से बना हुआ दो रंग का प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बनाने में बहुत ईजी है और देखने में बहुत सुंदर है। आप इस डिज़ाइन से कुछ भी बना सकते हो। जितनी भी बड़ी आपको जैकेट स्वेटर बनाना है, सबसे पहले आप उतनी चेन बनाएंगे अपने किसी भी स्वेटर से, रेडीमेड से या जो हाथ का बुना हुआ है उससे नाप के। और अगर आपकी चेन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो आप ये कैंची से काट सकते हो, एक दो चेन छोड़कर ये आराम से कट जाती है, फिर खींच देना आप इसको। और ये मैं बिना धागा लिए वाली फली से बना रही हूँ। सबसे पहले आपको मैं आपको इसमें बता रही हूँ, सबसे पहले आपको जितनी भी चेन बनानी है, जितनी भी आपको किसी चीज़ की लंबाई रखनी है, उतनी ही आप ऐसे चेन बनाएंगे। ऐसे बिल्कुल एकदम सिंपल चेन, ऐसे। अब हम इसमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में ऐसे बिना धागा लिए वाली फली ऐसे डालेंगे। ऐसे क्रोशे से जो चीज बनाते हो आप उसको पूरी दोनों तीनों पीस एक साथ भी इकट्ठा बना सकते हो और अलग अलग बना के सिलाई भी लगा सकते हो। ऐसे जब आप इस फली को नापेंगे, तो आपका जितनी भी चौड़ाई आपको स्वेटर की रखनी है उतनी ही रहेगी, ये ना घटेगी ना बढ़ेगी। चेन हमारी थोड़ी लूज भी पड़ जाती है, तो आप इसमें 2, 4, 6 कितनी भी सिलाइयों का ऐसे बॉर्डर बना लेंगे प्लेन। अब ये दूसरी सिलाई बना रही हूँ मैं, ये भी मैं बिना धागा लिए बना रही हूँ। हर एक चेन के ऊपर आपको एक ही बनानी है, ऐसे। इस तरह आपका ये दो सिलाइयों वाला बॉर्डर ऐसे बन जाएगा, दो क्रोशे की लाइन वाला बॉर्डर। अब मैं आपको डिज़ाइन डालना बताती हूँ। देखो, डिज़ाइन जब हमने शुरू किया है तब सबसे पहली वाली चेन में बिना धागा लिए वही वाली एक फली बनाई दूसरे कलर से, फिर दो चेन बनाई और यहाँ पर एक चेन छोड़ दी है, और फिर ये एक बिना धागा लिए वाली फली बनाई, फिर दो चेन बनाई। देखो, नीचे एक एक चेन छोड़ी है और फिर यहाँ पर एक बिना धागा लिए वाली फली बनाई। ऐसे ही पूरी लाइन की है ये। उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ। अब हम इसमें दूसरा रंग लगाएंगे ऐसे। सबसे पहले आपको ऐसे एक चेन बनानी है, एक चेन बनाकर यहाँ पर बिना धागा लिए वाली फली बनानी है ऐसे। अब आप जब अपना डिज़ाइन बनाएंगे, हमारी ये दो दो चेन आ जाती हैं। एक बार तो हम यहाँ पर शुरू में चेन बनाएंगे और यहाँ पर शुरू में दो चेन बनाएंगे और एक बार बिना चेन लिए करेंगे, जिससे हमारा ये डिज़ाइन इक्वल चलता रहे ऐसे। अब हम यहाँ पर शुरू में ये यहाँ पर ऐसे डालेंगे, ऐसे दो चेन बनाई हमने, ऐसे डाला, फिर एक दो चेन बनाई, दो हमारी ये दो एक दो दो चेन आती हैं, तो हम पीछे से और इस वाली नीचे वाली चेन में ऐसे एक बिना धागा लिए फली वाली फली ऐसे बनाएंगे। देखो, दो चेन और फिर यहाँ से ऐसे बिना धागा लिए वाली फली बनाएंगे ऐसे, फिर दो चेन, फिर यहाँ से फिर यही बिना धागा लिए वाली फली ऐसे, दो चेन। देखो, ये हमारी दो चेन है, एक और एक दो, ये ध्यान से देखो, दो चेन है। हम एक रंग की दो लाइन कर रहे हैं तो इसलिए ये हमारी दो चेन आई हैं। अब हम पीछे से ऐसे क्रोशिया डाल के ऐसे इस वाली चेन में ऐसे बना रहे हैं ऐसे, फिर एक दो चेन, फिर हम ऐसे डाल रहे हैं ऐसे ऐसे, फिर हमारी दो चेन, फिर ऐसे डालेंगे, फिर दो चेन, फिर ऐसे डालेंगे। अब हम इधर कोई चेन नहीं बनाएंगे, इधर इसको ऐसे ही बिना चेन लिए ऐसे कर देंगे, जिससे हमारा डिज़ाइन इक्वल चलता रहे। एक बार हम दो चेन बनाकर इधर जोड़ेंगे और एक बार इधर। अब कि हमने दो चेन यहाँ पे शुरू में बना दी थी इसलिए यहाँ पर नहीं बनाई। अब हम इसको पलटेंगे ऐसे और एक चेन बनाएंगे। अब हम इसमें एक बिना धागा लिए वाली फली बनाएंगे। अब हम यहाँ पर कोई भी चेन नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ कोई चेन नहीं बना रखी। इस वाली दूसरी वाली फली के ऊपर ये फिर एक ऐसे फली बनाएंगे। अब एक
दो चेन बनाएंगे इस वाली फली के ऊपर, फिर फली, ये छोटे वाली फली है बिना धागा लिए वाली, फिर दो चेन, फिर इसके ऊपर, फिर ऐसे, फिर दो चेन, फिर हमें एक कलर से दो लाइन बनानी है। इसमें आप कितने भी कलर लगा सकते हो, आप अपने बची कुची ऊन का भी यूज़ कर सकते हो, ये आप अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए कई कलर की जैकेट भी बना सकते हो। अब हमने यहाँ पे ये दो चेन बना रखी हैं, तो अब हम यहाँ पर भी दो चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ देंगे ऐसे। अब हम इसको पलटेंगे और अब हम इस वाले ब्लू कलर से एक चेन बनाएंगे ऐसे, और इस फली के ऊपर फिर हम एक फली बनाएंगे। अब के हम बिना धागा ली, बिना चेन बनाए नीचे वाली फली में से ऐसे लेंगे यहाँ से ऐसे। आपको ध्यान रखना है एक कलर में आप इधर चेन बनाएंगे और एक कलर में इधर चेन बनाएंगे, इससे देखो ये डिज़ाइन आपका इक्वल चलेगा, नहीं ये फिर छोटा बड़ा हो जाएगा ऐसे। जितनी हमारी नीचे बैठी थी उतनी ही ऊपर बैठेगी। अब हम दो चेन बनाएंगे, एक दो, और फिर ये देखो ये लाइट कलर है आपको अच्छे से दिखाई देगा, एक दो, हमारी ये दो चेन होती हैं, हम एक रंग से दो लाइन कर रहे हैं, तो हम पीछे की तरफ से यहाँ से ये वाली ऊपर वाली चेन छोड़ रहे हैं और नीचे वाली में ऐसे दे रहे हैं ऐसे। फिर हम दो चेन बनाएंगे, हर में से ऐसे ही लेते रहेंगे ये ऐसे, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर यहाँ से लेंगे ऐसे। देखो फिर एक दो चेन बनाएंगे, फिर इसके नीचे से फिर ऐसे लेंगे ऐसे, हमें ये पूरी लाइन ऐसे ही करनी है ऐसे। अब हम दो चेन बनाकर इसको यहाँ पे जोड़ेंगे ऐसे। अब हम एक चेन बनाएंगे और इस चेन, इस छोटी वाली फली के ऊपर एक फली, फिर दो चेन। अब हम ये फली के ऊपर फली बनाते हैं इस वाली चेन में, अब दूसरी वाली लाइन में, इसमें हम बीच में नहीं लेते ऐसे, दो चेन, ये देखो ये मैं फली के ऊपर फली बना रही हूँ, इधर से ये आपका डिज़ाइन ऐसे आएगा और इधर से ये ऐसे आएगा ऐसे। अब हम इसमें येलो कलर लगा रहे हैं, एक ऐसे चेन बना रहे हैं इस फली के ऊपर, फली बना रहे हैं। अब एक दो चेन बना रहे हैं, दो चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ जो हमारी ये चेन है इसके बीच में यहाँ पर लेंगे ऐसे, ये जो दो बनाए हैं हम इन्हें, इनके बीच में कुछ नहीं किया है, तो ऐसे आपके जितने आप नीचे से शुरू करोगे इतने ही ऊपर तक रहेंगे ऐसे, दो चेन और नीचे से ऐसे लेना है, फिर दो चेन, फिर नीचे से ऐसे लेना है ऐसे, ये पूरी लाइन करनी है। इस बार हमारी इधर ये दो फलियाँ आई हैं, तो पहले हमने एक चेन बनाई, अब इसके अंदर हम बिना धागा लिए वाली फली, फिर इसके अंदर भी बिना धागा लिए वाली फली, अब दो चेन, अब ये फली के ऊपर फली बनाएंगे ऐसे, दो चेन, ये देखो ये जो हमारी फली है इसके ऊपर फिर ऐसे फली बनाएंगे, फिर दो चेन, पूरा डिज़ाइन ये इक्वल ऐसे ही चलेगा। देखो इस तरह ये डिज़ाइन पूरे में ऐसे ही चलेगा, और आप इसमें एक लाइन एक रंग की, एक दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे कई सारे कलर भी लगा सकते हो, और एक कलर एक चलाकर उसके बीच में ये वाली लाइन अलग कलर की, ये अलग की और ये अलग की, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे। ये दो रंग का प्यारा सा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।